Now, children, let's move on to chapter number 5, and the name is Yoga. Yoga is beneficial for children. आपने अभी पढ़ा था कि हमें योगा करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, तो बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है. द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज हॉलिस्टिक एंड इफेक्ट्स ऑल लेवल्स ऑफ अ चाइल्ड बीइंग. ये जो प्रैक्टिस है योगा, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे जो भी लेवल्स हैं उन सबको इम्प्रूव करता है. नाउ लेट्स रीड अबाउट योगा. तो चलिए योगा के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं वो पढ़ते हैं. फर्स्ट इज योगा इज एन एंशियंट आर्ट दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड बॉडी. अब योगा क्या करता है, हमारे माइंड और बॉडी दोनों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है आपस में. इट इज एन एक्सरसाइज दैट वी परफॉर्म बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अवर बॉडी. अब ये ऐसी एक्सरसाइज है जो हम कब करते हैं, जब हम अपने बॉडी के जो भी एलिमेंट्स उसे बैलेंस कर लेते हैं, तब ये एक्टिविटी होती है. इन एडिशन इन इट हेल्प्स इन मेडिटेट टू अस टू मेडिटेट एंड रिलैक्स. तो योगा क्या करता है, हमें मेडिटेट करने में, हमें रिलैक्स करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज योगा एसेंशियली ओरिजिनेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट्स ऑफ इंडिया. योगा जो है इंडियन कॉन्टिनेंट्स में ही इसका ओरिजिनेशन हुआ था, मीन्स ये यहीं पे बॉर्न हुआ था. इट हैज बीन अराउंड सिंस एंशियंट टाइम्स एंड वॉज परफॉर्म्ड बाय योगीज. योगा जो है काफी समय पहले से स्टार्ट हुआ था और योगीज जो थे वो इसे परफॉर्म करते थे. द टर्म योगा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड विच ट्रांसलेट्स टू बेसिकली यूनियन एंड डिसिप्लिन. तो ये जो है योगा वर्ड एक संस्कृत वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब है एक यूनियन या फिर डिसिप्लिन. योगा हैज न्यूमरस बेनिफिट्स इफ वी लुक एट इट क्लोजली. अगर हम योगा को ध्यान से देखें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. यू विल गेट रिलीफ व्हेन यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली एज इट कीप्स अवे द एलिमेंट्स फ्रॉम आवर माइंड एंड बॉडी. तो अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करेगा तो क्या होगा, हमारे दिमाग से, हमारी बॉडी में जो भी जो है बुराइयां कह सकते हो आप, जो भी एलिमेंट्स है उन्हें ये रिमूव करता है. इन एडिशन व्हेन वी प्रैक्टिस सेवरल आसन एंड पोस्चर्स, अगर हम बहुत सारे आसन और पोस्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं, इट स्ट्रेंथन्स आवर बॉडी एंड गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड हेल्थीनेस. तो हमें क्या करता है, अगर हमने आसन और ये जो पोस्चर्स इन्हें जो है रेगुलरली प्रैक्टिस किया तो हमारी बॉडी में ताकत बढ़ती है और हमें जो है अच्छा फील होता है, हमारा माइंड फ्रेश फील करता है, हमारी बॉडी फ्रेश फील करती है. 21st of June इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वेयर पीपल आर मेड अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा. तो इस दिन क्या है, लोगों को योगा के बेनिफिट सिखाए जाते हैं. तो 21 जून जो है इंटरनेशनल योगा डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं. योगा इज अ ग्रेट गिफ्ट टू मैनकाइंड विच हेल्प्स अस कीप बेटर एंड मेंटेन आवर हेल्थ. सो योगा क्या है, एक गिफ्ट है हमारे लिए जो हमें क्या करता है, बेटर इंसान बनाता है और हमारी हेल्थ को भी मेंटेन करता है. इन शॉर्ट योगा हैज सेवरल बेनिफिट्स. योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. एवरीवन मस्ट प्रैक्टिस इट टू कीप आवर हेल्थ मेंटेन्ड एंड आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट. सबको क्या करना चाहिए, इसे प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है वो भी शार्प हो सके, हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सके. इट इज अ सीक्रेट ऑफ लिविंग अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ. तो हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीने का ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है. विदाउट द यूज ऑफ एनी आर्टिफिशियल मीन्स लाइक मेडिसिन और एनी अदर शॉर्टकट्स ऑफ एनी काइंड. तो किसी भी बाहरी चीज से बचाता है योगा हमें, जैसे कि मेडिसिन. अगर हम बीमार पड़ते तो मेडिसिन खानी पड़ती है, अगर हम योगा करेंगे तो हम पहले ही फिट रहेंगे, तो हमें मेडिसिन की भी जरूरत क्यों पड़ेगी. तो ऐसे चीजों से योगा क्या करता है, हमें बचाता है और हमारे लाइफ को हेल्दी करता है. सो आई होप चिल्ड्रन आपको योगा के क्या क्या बेनिफिट्स है वो यहाँ पे समझ में आ गए होंगे. सो यू शुड प्रैक्टिस योगा डेली. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से योगा पोस्चर्स होते हैं जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. सो फर्स्ट इज काउ पोज. ये जो पोज है इसे काउ पोज कहा जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन द शोल्डर्स. हमारे शोल्डर एरिया में क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है.
बैक में, हिप्स में, एंकल्स में, थिक्स में, इन सारे जगहों पे हमें क्या करता है, हमें जो है बॉडी को की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है. नेक्स्ट सेकेंड पोज इज पोज ऑफ द चाइल्ड, जिसे बाल आसन भी कहते हैं. तो ऐसे आपने देखा होगा बच्चों को ज्यादातर करते हुए, तो इसे कहते हैं बाल आसन. अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? स्ट्रेचेस द हिप्स एंड लोअर बैक, हमारे जो हिप्स है और जो लोअर बैक है उसे स्ट्रेच करता है, eases tension, tension को दूर करता है and relieves back and neck pain, back और neck pain से हमें बचाता है. Next comes cat pose और मजरासन. So अब ये जो next posture है ये है cat pose, ऐसे हमें करना है. और क्या क्या benefits हैं? Strengthens core muscles, हमारे जो core muscles है उसे ये strengthen करता है, improves flexibility, flexibility को improve करता है और increases blood flow, blood flow को भी ये increase करता है. Fourth one is cobra pose और भुजंगासन. This is cobra pose. इसके benefits हैं include strengthening the shoulders and back. हमारा जो ये shoulder area है, shoulder area उससे और जो हमारा back area उससे ये इसको strengthen करता है. Improves spine flexibility, spines की जो flexibility है उसे improve करता है. And easing mid case of sciatica, sciatica की जो बीमारी होती है कई लोगों को, उसे भी क्योर करने के लिए योगा यूजफुल है. कौन सा? कोबरा पोज और भुजंगासन. नेक्स्ट इज ट्री पोज और उत्कर्षासन. सो ये देख सकते हो आप, दिस इज ट्री पोज. इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स हैं इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेग्स एंड कोर, ओपनिंग द हिप्स एंड एनहांसिंग बैलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन. तो ये क्या करता है, लेग्स को स्ट्रेंथन करता है एंड हमारे बैलेंस को, कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट सिक्स वन इज कॉर्ड्स पोज और शव आसन. एंड हियर दिस इज द पोस्चर, ये पोस्चर लेना होता है हमें इस आसन में. बेनिफिट्स क्या है? दिस पोज एनकरेजेस डीप रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस, हमारी बॉडी में जो रिलैक्सेशन है उसे इम्प्रूव करता है, माइंडफुल बनाता है हमें. While lowering stress and anxiety, so anxiety को दूर करता है, stress को दूर करता है ये योगा. Seventh one is pose of lotus और पद्मासन. So ये जो posture है ये पद्मासन का posture है and यहाँ पे हमें क्या benefits मिलते हैं? Straightens the spine, spines को हमारे सीधा करता है, increases hips suppleness, hip का जो suppleness है उसे जो है improve करता है, increase करता है and improve focus during meditation. Meditation के समय जो focus है उसे भी improve करता है. Next eighth one is butterfly pose और बद्ध कोनासन. ये है आपका butterfly pose. ऐसे आपको दोनों जो पार्ट है पैर के वो एक साथ रखने हैं. दिस इज बटरफ्लाई पोज. एंड ये क्या करता है? रिलीव करता है टेंशन को, स्टिफनेस को हमारी बॉडी से रिलीव करता है, लोअर बैक से, हिप से एंड इनर थिक से. तो इस एरिया में जो भी टेंशन है उसे ये रिलीज करता है. नेक्स्ट इज ट्रायंगल पोज और तिकोनासन. सो ये जो अगला पोज है इसे हम ट्रायंगल पोज या फिर तिकोनासन कहते हैं, नाइन्थ वाला. एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इंक्लूड बेटर पोस्चर, ये जो है बेटर पोस्चर को इंक्लूड करता है, हिप्स एंड चेस्ट ओपनिंग एंड साइड बॉडी स्ट्रेचिंग, इन सबको क्या करता है? इंप्रूव करता है. नेक्स्ट टेंथ वन इज स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंट और उत्तनासन. सो ये है एक अलग पोस्चर योगा का, ये भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. ये क्या करता है? बैलेंस करता है हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे माइंड को शांत रखता है, जो है काम करता है. नेक्स्ट इलेवेंथ वन इज लो पोज और हलासन. तो इसे हम कहते हैं हलासन. इसके क्या क्या बेनिफिट्स है चिल्ड्रन? कैन मेक द स्पाइन मोर सपल, या हमारे स्पाइन को और ज्यादा जो है सपल बनाता है, उसको जो है ज्यादा हेल्दी बनाता है. विच कैन हेल्प ईज मसल टेंशन एंड इम्प्रूव पोस्चर, जो इससे हमारा पोस्चर ज्यादा है इम्प्रूव हो जाता है. To prevent injury and get the most of yoga poses, proper alignment in technique are crucial. So yoga को हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें उसको एक proper alignment में करना चाहिए, किसी बड़े की निगरानी में करना चाहिए, ताकि हम injury
का सामना ना करना पड़े. सो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हमें इन योगा पोजेस को करने के लिए कुछ प्रॉपर एंगल्स हैं, उसमें ही इन योगा को, इन टेक्निक्स को करना चाहिए. पोस्ट सेलेक्शन में ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय द एडवाइस ऑफ द ट्रेन योगा इंस्ट्रक्टर. सो जो ट्रेन योगा इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, आपको इन पोजेस को करने का सही तरीका बताता है. और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या फिर आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जा सकते हो और वो आपको सही तरीका बताएगा कैसे इन योगा पोजेस को करना है. इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक गोल्स इन माइंड और एनी मेडिकल कंसर्न, अगर मान लीजिए आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उस केस में आपको इनमें से कौन कौन से योगा करने हैं या नहीं करने हैं ये कौन एडवाइस करेगा आपको, या तो योगा इंस्ट्रक्टर एडवाइस करेगा या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपको एडवाइस करेंगे. सो हमें क्या करना है, योगा तो करना है बट इनकी देख रेख में करना है. योगा इज अ जर्नी ऑफ द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ, टू द सेल्फ. तो योगा क्या है, एक जर्नी है, खुद की जर्नी है, खुद से जाती है ये और खुद के लिए किया जाता है. एंड दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द भगवद गीता. ये जो लाइन ली गई है ये भगवद गीता से ली गई है. सो आई होप चिल्ड्रेन आपको योगा के सारे बेनिफिट्स पता चल गए होंगे. डिफरेंट डिफरेंट आसन भी हमने यहाँ पे सीख लिए. सो प्रैक्टिस योगा डेली.